विदिन द वन मंथ अगर एक्शन नहीं होता तो और भी बड़ा प्रोग्राम बड़ा हम लोग का मूवमेंट शुरू होगा, लेकिन ये कंटिन्यू चलेगा। तो इसलिए हम लोग अपील कर रही हो, गवर्नमेंट को भी अपील कर रही हो, गवर्नर का अपील कर रही हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी अपील कर रही हो और ऑल इंडिजिनस पीपल की भी अपील कर रही हो। अगर हम लोग का शासन हम लोग का हाथ में लेना चाहते हो, अपना जाति को अपना शासन करना चाहती हो, अपना जाति के लिए अपना काम करना चाहती हो, तो जी के रहो कहाँ से आकर वहाँ पे काम करेगा? वो क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, किसका काम करेगा? जी के रहो का साथ जाकर बात करने के लिए कितना इंडिजिनस पीपल लोग कितना साहस मिलेगा? अगर एडीसी में कोई अपना अगर इंडिजिनस पीपल होता तो एडीसी का जितना भी जो प्रॉब्लम है वो लोग जाकर इजीली बात कर सकेगा, अपना प्रॉब्लम को बात कर सकेगा, अपना प्रॉब्लम को वो लोग शेयर कर सकेगा। और जो व्यक्ति अभी त्रिपुरा को फुल ड्राइव कर रही हो पेंडेमिक में, और दूसरी बात ये है अभी पेंडेमिक लॉकडाउन का समय में हम लोग देखा है प्रोदत्त किशोर माणिक का बहादुर फुल्ली वो ड्राइव कर रहे हैं जितना भी पॉसिबल है, अनकंडीशनल और फुल जितना भी पॉसिबल है, वहाँ पे कोई उनका पास कोई डिविजन नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति ऐसा सोशल वर्कर और इतना ईमानदारी से काम कर रही हो, इसको हम लोग क्यों काम करने नहीं देगा? अगर आज वोट खारिज जाते तो वो वोट में जरूर जीत जाता, लेकिन ये तो वोट का माध्यम नहीं, ये तो पब्लिक कंसर्न से गवर्नमेंट चुनेगा, तो गवर्नमेंट पब्लिक कंसर्न से ये सिलेक्ट करना सही है। इसलिए ये पूरी तरह से हम लोग का राइट्स है, हम लोग का राइट्स को किसी भी तरीके से वायोलेशन करना नहीं, किसी का हक नहीं है, करना नहीं सही है। इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, जल्द से ये डिमांड को इम्प्लीमेंट कीजिए और इंडिजिनस पीपल लोग का साथ 70 ईयर्स जो डिप्राइव किया, 70 ईयर्स जो वायोलेशन किया, इसको स्टॉप कीजिए। यही हम लोग का डिमांड है।